आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो इंसर्ट मेनू बार में होते हैं उनके बारे में। तो हमने पिवट टेबल के बारे में जाना, उसके बाद टेबल है। तो चलिए एक बार टेबल को समझते हैं, फिर उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन में चलेंगे। देखिए, डेटा एक तो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट में होता है, दूसरा टेबल फॉर्मेट में होता है। देखो एक डेटा लेक आपको समझाता हूँ। आपके सामने एक डेटा दिख रहा है। हाँ जी, ये डेटा नॉर्मल फॉर्मेट में, मतलब कि नॉर्मल फॉर्मेट में, मतलब कि नॉर्मल जस्ट हमारे एक सेल पे क्लिक किया गया हुआ। अगर इस सेल की अगर इसका एड्रेस देखेंगे तो इसका एड्रेस होगा A1 से लेके M5 तक। तो याद है हमने आपको बताया था कि हम इसको कल से पहले कि जब हमने आपको पढ़ाया था एक्सेल में पिवट टेबल, तो इसको हमने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जब टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो इस पे कुछ चीजें अप्लीकेबल हो जाती है। सबसे पहले इसका जो एरिया है इसका नाम हो जाता है टेबल वन। अब टेबल चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपने कर दिया DD1 हमने कर दिया, या डेटा DT1 DT कर दिया, कुछ भी नाम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी हम अप्लीकेबल करेंगे, जैसे पिवट अप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे DT दे रहा है, ठीक है, तो इसका नाम DT हो जाता है। ओके, दूसरी चीज है बेनिफिट होती है, इस पे आप फिल्टर अप्लाई हो जाता है, इसका एक अपना फॉर्मेट हो जाता है, और अपने हिसाब से पिवट की फॉर्मेट थी ऐसे आप इसकी फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक और बेनिफिट आती है जब इसके बाद स्क्रॉल करते हैं, जब स्क्रॉल करते हैं ना, हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखिए अभी क्या है, ABCD दिख रहा है, जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं ABCD हट जा रहा है और इसका नेम ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। तो कॉलम ABCD का हेडर आपके डेटा हेडर हो जाता है, और ये चीज मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था सर, समझे? ओके, तो एक किससे होता है, टेबल से होता है। उसके बाद इसमें और भी कैलकुलेशन मेथड है, जैसे कि आप इसमें टोटल रो ऐड करना चाहते हैं लिख कीजिएगा, तो सबसे लास्ट में टोटल रो ऐड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, मुझे सम करना है, मुझे यहाँ पे एवरेज करना है, और बाकी जो चीजें कर दिए आप चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो टोटल रो ऐड हो जाता है आपका। फिल्टर करते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे जनवरी का फिल्टर किया, समझ लीजिए, या अप्रैल का फिल्टर किया, तो यहाँ अप्रैल का डेटा दिखता है और नीचे जो टोटल दिखेगा वो भी अप्रैल का ही टोटल दिखेगा, मतलब ओवरऑल, क्योंकि इसमें सब टोटल का फॉर्मूला लगा हुआ है। अब ये सब टोटल का फॉर्मूला क्या होता है हम आगे आपको समझाएंगे, ठीक है, आगे क्लासेस में। ओके, ठीक है, इसको हम ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, लाइक मैं इसमें कोई लाइन ऐड करनी है तो हो सकती है इसमें। हाँ, इसमें आप मान लीजिए ऐड करनी है, राइट क्लिक कीजिए इंसर्ट, ठीक है, हो गया, ठीक, वापस इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ कन्वर्ट टू रेंज दिख रहा होगा, ठीक है, आपका नॉर्मल हो गया। अब ये टेबल में जाओ, अगर टेबल है जिसपे फिल्टर की जगह स्लाइसर भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ स्लाइसर जो कि मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगली जो हमारी टॉपिक है इलस्ट्रेशन, उसमें बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन मतलब कि पिक्चर ग्राफिक्स पे काम करना। मान लीजिए एक्सेल पिक्चर लेके आना है, तो पिक्चर लाने का तीन तरीका है। एक तरीका है कि आपकी पिक्चर अगर आपके ड्राइव में सेव है,
तो वहां से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइव में कोई फाइल सेव है, जैसे कि मान लीजिए ना हमारा ए सेव है, हम इसको ले आए। बाकी दो तरीके क्या है, अगर मान लीजिए पिक्चर आपके गूगल वगैरह पे है तो वहां से कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, या आप यहीं से ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो bing.com से आप पिक्चर लेके आ सकते हैं सर्च करके। बट उस आपको उस समय इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, अब पिक्चर ऐड हो जाता है। अब बात करते हैं पिक्चर की फॉर्मेटिंग पे। जब पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट आपके यहाँ पे आता है। सबसे पहले रिसाइज की बात करें, कॉर्नर से करके पिक्चर को छोटा बड़ा आराम से कर सकते हैं। अब जरूरी है कॉर्नर से ही पकड़े, आप यहाँ साइड से ही पकड़ सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि पिक्चर एक तरफ से होगा तो पिक्चर स्ट्रेस होने का डर रहता है, लेकिन कॉर्नर से पूरे चारों तरफ से होता है। या फिर इसकी कोई हाइट और विड्थ में करना है या पिक्चर फॉर्मेट में, यहाँ पे एग्जैक्ट हाइट और विड्थ होती है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे आते हैं रिमूव बैकग्राउंड। अगर इसकी बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो क्लिक कीजिए, आइडेंटिफाई कर लिया कि सारे बैकग्राउंड है। अगर आपको नहीं तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यहाँ मार्क, तो जिस चीज को रिमूव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको यहां से इसको राउंड कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा सारा रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कीप चेंजिंग, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। इस तरह की बैकग्राउंड रिमूव, लेकिन बैकग्राउंड रिमूव करना फोटोशॉप की तरह नहीं होता, क्योंकि हाँ कुछ तो हद तक तो हो ही जाता है। अब आती है करेक्शन। अब पिक्चर को आप इस साथ में सॉफ्टवेयर में करेक्ट कर सकते हैं कि पिक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है मैम, ठीक है। इसको एक कलर में करना है, रिकलर कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट करना है, कोई और कलर में करना है, कलर को नहीं। इसका यूज हम लोग करते हैं जो चार्ट वगैरह होता है उसकी बैकग्राउंड में इमेज देने के लिए। ठीक है, देखिए आप इस तरह की चीजें नेगेटिव करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी, पीछे का एरिया कितना परसेंट दिखे, ये भी रखते थे कि चार्ट में चार्ट का एलिमेंट इफेक्ट ना करे। कंप्रेस पिक्चर, जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे पिक्चर्स में डाल रखे हैं जिससे आपकी फाइल की साइज जो है हैवी हो जाती है, तो यहाँ कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करके उसको छोटा कर सकते हैं आप, तो कंप्रेस पिक्चर कहलाती है। ओके, उससे क्या होता है अनवांटेड पिक्चर जो होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, आपकी फाइल की साइज जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, पिक्चर माने कि बाकी सारे सेटिंग सेम रहे, कोई और पिक्चर आ जाए तो आप यहाँ से पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर पिक्चर आपने लाया, पिक्चर आया तो कुछ कुछ ऐसा किया जिससे पिक्चर खराब हो गई आपकी, तो आप रीसेट करेंगे तो आपका पिक्चर जैसा था वैसा हो जाएगा। रीसेट पिक्चर एंड साइज दोनों करना चाहते हो तो दोनों साइज ठीक हो जाएगा, जैसा था जैसा पिक्चर ओरिजिनल में आया था उस फॉर्मेट में हो जाएगा। इवन वो मेरी फाइल सेव करने के बाद भी, हाँ ठीक हाँ। और एक आता है थ्योरी तो कहता है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने देखा नहीं कभी, तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पिक्चर की स्टाइल्स डाल सकते हैं, ये रहा स्टाइल्स, पिक्चर के अलग अलग स्टाइल्स में डाल सकते हैं पिक्चर को। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे
पिक्चर का बॉर्डर आप डिफाइन करना चाहते हो कि किस कलर का होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, उसकी डॉट में होना चाहिए, इसका विड्थ कितना होना चाहिए, डिसाइड कर सकते हो। या फिर बहुत बड़ा चाहिए तो मोर में चले जाइए, वहां पे नंबर डाल दीजिए। ठीक हो गया, पिक्चर बॉर्डर ठीक है, पिक्चर का शॉर्पनेस, पिक्चर 3D में होना चाहिए या किस तरह से होना चाहिए, ग्लो करना चाहिए या रिफ्लेक्शन होना चाहिए या शैडो चाहिए या साइड से कटा हुआ चाहिए, विड्थ चाहिए या 3D रोटेट चाहिए, पिक्चर का लेआउट कैसा होना चाहिए, लेआउट आप डिफाइन कर सकते हैं कि इस लेआउट पे तो नहीं चाहिए पिक्चर। ओके ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर टेक्स्ट कुछ ऐड करना चाहते हो तो इसके ऊपर ऑल टेक्स्ट से पिक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए उसके बाद आता है पिक्चर, यहाँ पे जब क्लिक करते हैं पिक्चर फॉर्मेट में तो सिलेक्शन पे, जैसे मैं चाहता हूँ कि एक ही नहीं तीन चार पिक्चर एक ही पिक्चर हो, मैं पिक्चर को डिलीट नहीं करना चाहता, अगर मैं पिक्चर डिलीट कर दिया तो फिर क्या होगा, पिक्चर डिलीट होगा तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आपका, फिर से दोबारा सब कुछ सेटिंग वेटिंग करना पड़ जाएगा। यहाँ पे जो आई का निशान दिख रहा है ना, हाँ जी ओके, फिर वापस क्लिक कीजिए सेम लोकेशन, ठीक 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 है ठीक है। चीजें कर सकते हैं तो यहां से आप जितने पिक्चर होंगे सारे, अब मान लीजिए मुझे इसी कॉपी बनानी है तो इसको कॉपी पेस्ट तो किया जा सकता है, एक तरीका और भी है कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग कर, ठीक 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 है। अब इसके फॉर्मेट में जाके मैं सिलेक्शन पेन पे आता हूं तो यहां पूरा होगा, जो पिक्चर दोनों पिक्चर आएंगे, एक को हटाना है दूसरा को रखना है, दूसरे को हटाना है दोनों को रखना है, सिलेक्शन पेन से यूज कर सकते हो। अब इसमें चीज और, एक पिक्चर को दूसरे पिक्चर के ऊपर रखती है, पहले तो एक पीछे चला जाए, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर आ जाए, तो यहाँ उसके लिए आपके सामने पिक्चर फॉर्मेट में सेंड टू बैकवर्ड, सेंड टू फॉर्मेट इसका यूज कर सकते हो। पिक्चर मान लीजिए कि अलाइन नहीं है, एक सीध में हो जाए, उसके लिए अलाइन में आके आप ये कर सकते हैं कि अलाइन दोनों पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल प्रेस करके दोनों सेलेक्ट कर लीजिए, ये अलाइन टू टॉप ये एक सीध में हो जाएगा, ये ग्रुप कर दीजिए क्योंकि दोनों अलग अलग है, ग्रुप करने पे एक हो जाएगा, रोटेट करना है तो इसको रोटेट करते हैं, कॉर्प मतलब कि मान लीजिए कि कोई एक ही पिक्चर है मुझे इसमें से कुछ काटना है, मान लीजिए मेरा अपनी फोटो इसमें से हटा देनी है, यहाँ पे कॉर्प पे क्लिक कीजिए और इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ठीक है, ये कॉर्प हो गया, इस तरह के पिक्चर को कॉर्ड वगैरह कर सकते हैं, ये पिक्चर की फॉर्मेट। पिक्चर के बाद अगला जो है इसमें इसमें शेप्स हैं, तो जिस शेप्स में से मान लीजिए कि इस तरह के आइकन्स आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये आइकन ही ले लिया, इसको ड्रैग किया तो जो फॉर्मेटिंग मैंने आपने भी की थी वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आता है, जैसे कि इसकी स्टाइल कैसा होना चाहिए, ठीक है
ठीक है यहाँ से इसकी कलर है, कलर सर, डार्क, एक बॉर्डर एक मिनट के लिए, डिफेक्ट एक मिनट है। के लिए होल्ड करेंगे सर आप? एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, मैं आया अभी। ठीक है सर।